आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो पबजी मोबाइल का 1.0 का बीटा वर्जन फिलहाल हम सभी के पास पहुंच चुका है। जब आप उसको डाउनलोड करके खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, जाके डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जाना, क्योंकि इस अपडेट में यानी ये जो बीटा वर्जन है ग्लोबल बीटा वर्जन है और इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं सभी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो न्यूज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सोर्स हमने घोस्ट गेमिंग से लिए हैं। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं मिस्टर घोस्ट गेमिंग, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है वीडियो के साथ। जब आपको प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा 24 आवर्स के अंदर। तो सब कुछ डिटेल प्रोवाइड कर दिया हूं। जब आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है, क्योंकि इंस्टेंट अपडेट जो गेमिंग के रिलेटेड आते हैं इसी चैनल में आप मिलते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हम पहले फीचर्स की तरफ चलते हैं। और मुझे पता है यार, इरेंगल 2.0 का आप बेसब्री से वेट कर रहे हो कि कब ये अपडेट यानी कब ये इरेंगल 2.0 का मैप ग्लोबल वर्जन में आएगा। तो फाइनली आपका वेट ओवर होने वाला है। इसका जो नेक्स्ट अपडेट है यानी 1.0 अपडेट है, उसमें ही आपको एक नया मैप मिलने वाला है जिसका नाम होगा इरेंगल 1.0 या फिर 2.0, जो आप अपने हिसाब से नाम लगा सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल ये ऑफिशियल नेम हो चुका है कि ये जो इरेंगल का नया मैप है उसको किस नाम से जाना जाएगा। जो आप पिक्चर भी देख रहे हैं, ऑल न्यू इरेंगल न्यू क्लासिक मोड गेम प्ले। जी हाँ, आपका जो गेम प्ले है इरेंगल मोड में वो थोड़ा और इन्हांस और भी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है इस अपडेट के बाद। उसके अलावा इरेंगल 2.0 में कुछ चेंजेस होगा जो आपको पता ही है क्या क्या चेंजेस होने वाला है, फिर भी आपको थोड़ा रफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहला, ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट होंगे, जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा लार्ज रिसोर्स के लिए, और सबसे मेन फोकस किया जाएगा इस अपडेट में मेटा पावर क्वेरी प्रिजन एंड थोड़ा बहुत अदर प्लेसेस में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा इरेंगल 2.0 में। उसके साथ साथ कुछ नया एलिमेंट्स भी इसमें ऐड किया जाएगा, जैसे कि ट्रेंचेस, वुडन बैरिकेड्स, अबेंडेंड टैंक्स, उसके साथ आपको मिलेगा कुछ बिल्डिंग में एडजस्टमेंट। यानी जब आप कोई भी बिल्डिंग के अंदर जाते हो तो उसमें आपको थोड़ा लार्ज जगह मिलेगा फाइट करने के लिए, और कुछ जगहों पे चेंजेस भी हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इस अपडेट में आपको लिविक में भी काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला, लिविक मैप के लिए एक नया वेपन आने वाला है जिसका नाम होने वाला है M1014, M1014 भी बोल सकते हैं इसको। और उसके साथ साथ ग्राफिक्स में और आर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट किया जाएगा लिविक मैप के लिए, स्टेज को बैलेंस किया जाएगा और कुछ बग्स फिक्सेस है लिविक में उसको फिक्स कर देंगे। क्योंकि यार सबको पता है, जब आप लिविक मैप खेलते हैं, जब हम लैंडिंग करते हैं तो काफी देर तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता है ग्लिच के वजह से, तो उसको भी शायद इस अपडेट में फिक्स कर देंगे। तो चेयर पार्क जब आप यूज करना पसंद करते हैं तो इस अपडेट में और भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि आने वाला है ट्रेनिंग ग्राउंड 2.0, चेयर पार्क शोडाउन भी इसमें आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ चेयर पार्क में लेक में एक आइलैंड भी ऐड किया जाएगा। और लास्ट जो फीचर्स अभी फिलहाल पता चला है हमें कि इसमें जो AI है 2.0 आपको मिलने वाला है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये UI 2.0 का ही है। तो अपडेट के बाद इस तरह से आपको कुछ होम स्क्रीन मिलने वाला है। तो काफी कुछ चेंजेस इस अपडेट में आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी काफी सारा फीचर्स जो है फिलहाल आने वाले हैं रिवील नहीं किया है, क्योंकि अभी फिलहाल बीटा वर्जन आया है तो आगे चल के बहुत सारा फीचर्स ऐड करने वाले हैं। तो आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप बीटा वर्जन नहीं खेलते, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जरूर से खेलना। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ और कौन कौन सा फीचर्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है या फिर जानने का कोशिश कर रहे हो, आप एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस तरह का और इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस बटन को दबा के। और पिछला वीडियो नहीं देखे यानी इरेंगल 2.0 का गेम प्ले हमारा देखना चाहते हो तो ऊपर वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेना, आपको मजा जरूर आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।